नमस्कार। आईपीएल कामयाबी के साथ साथ कंट्रोवर्सीज में भी घिरा रहा है। आईपीएल में कई ऐसे मूवमेंट्स थे जो शायद सामने नहीं आने चाहिए थे लेकिन कैमरे पर कैद हो गए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 हैरान कर देने वाली एम्बैरेसिंग आईपीएल मूवमेंट्स की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं नंबर 5 की। आईपीएल मैचेस के पहले पिच रिपोर्ट तो आपने अक्सर देखी होगी लेकिन ये पिच रिपोर्ट कुछ हटके थी। दरअसल इस पिच रिपोर्ट में काफी फेमस क्रिकेट एक्सपर्ट और कमेंटेटर डैनी मॉरिसन, जो कि अपने हसमुख स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, वो अपने शोल्डर पर एक चीयरलीडर बिठाकर पिच रिपोर्ट करते नजर आए। एक चीयरलीडर उनके शोल्डर्स पर बैठी थी और वहीं 4 चीयरलीडर्स उनके बगल में खड़ी थी। मॉरिसन के साथ रमीज राजा पिच रिपोर्ट कर रहे थे और पिच रिपोर्ट के दौरान डैनी मॉरिसन उन चीयरलीडर्स के साथ काफी मजाकिया हरकतें करते और पंगे लेते नजर आए। नेक्स्ट नंबर 4 पर है हरभजन सिंह और नीता अंबानी के बीच बहुत विवादित हुई एक हग। दरअसल उस टाइम हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस से खेलते थे और मुंबई के कप्तान भी थे। मैच जीतने के बाद मुंबई की टीम काफी जोश में थी और ग्राउंड पर मुंबई की ओनर नीता अंबानी थी। खुशी में हरभजन ने नीता अंबानी को हक की, यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन उसके बाद हरभजन ने नीता अंबानी को उठा लिया। इससे भी ज्यादा विवादित बात ये थी कि नीता अंबानी को उठाते समय हरभजन के हाथ कहाँ पर थे, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर मुद्दा काफी भड़का और बहुत विवाद हुआ। अब ये तो नहीं पता कि हरभजन ने ऐसा जानबूझकर किया या फिर उनसे ये सब गलती से हुआ, लेकिन सब कैमरे पर कैद हो गया और लोगों की नजर में आ गया। आगे नंबर 3 पर जानते हैं न्यूजीलैंड के कमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट डैनी मॉरिसन का आईपीएल में एक और किस्सा। बात है प्री मैच एनालिसिस की। डैनी मॉरिसन के साथ इंडियन मॉडल करिश्मा कोटक थी। दोनों मैच से पहले एनालिसिस कर रहे थे, तभी डैनी ने करिश्मा को उसकी वेस्ट से पकड़ लिया। करिश्मा भी डैनी के नजदीक आ गई और हग कर ली, लेकिन डैनी मॉरिसन वहां पर नहीं रुके और उन्होंने करिश्मा को एक हाथ से पकड़ ऊपर उठा दिया और अपने डांस मूव्स दिखाने लगे, जिसके बाद करिश्मा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल नजर आई। डैनी मॉरिसन के अक्सर ऐसे किस्से सामने आते रहते हैं। एक बारी हुए मैच एनालिसिस के दौरान साथी फीमेल एंकर के अंडर आर्म्स को स्मेल करते भी कैमरे पर कैद हो गए थे। नंबर 2 पर बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस की एक अनसीन आईपीएल मूवमेंट की। बात है आईपीएल 2011 की। ये किस्सा आरसीबी के एक मैच का है। बैंगलोर ने वो मैच जीता और खेमे में खुशी का माहौल था। मैच जीतने की खुशी में आरसीबी के तब के ओनर विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या फीमेल एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ बहुत ही पैशनेट लिपलॉक करते नजर आए। दोनों स्टैंड्स में बैठे थे और कैमरे पर ये कैद हो गया। कहा जाता है कि सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण रिलेशन में थे लेकिन बाद में उन्होंने 2012 में ब्रेकअप कर लिया। ग्राउंड में दीपिका के साथ किस करते समय सिद्धार्थ माल्या के फादर विजय माल्या भी बिल्कुल पास ही खड़े थे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। दीपिका पादुकोण अब रणवीर सिंह के साथ मैरिड है, लेकिन जब दीपिका को सिद्धार्थ माल्या और उस किस के बारे में पूछा गया तो दीपिका ने कहा वो मेरा पर्सनल स्पेस है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। लिस्ट के टॉप पर बात करते हैं सिद्धार्थ माल्या और उनके साथ एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस के कंट्रोवर्सियल किस्से की। इस बारी बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ थी। दरअसल 2010 तक कैटरीना कैफ आरसीबी की ब्रांड एम्बेसडर थी और वो अक्सर आरसीबी को चीयर करने के लिए ग्राउंड में आती थी, और तब आरसीबी के ओनर के बेटे सिद्धार्थ माल्या और कैटरीना कैफ की पिक्चर्स अक्सर वायरल होती रहती थी। लेकिन एक पिक्चर उनमें से ज्यादा ही चर्चित और विवादित हो गई। दरअसल मैच के बाद पार्टी में कैटरीना का वेलकम करते हुए सिद्धार्थ ने उन्हें हग की, लेकिन हग करते समय सिद्धार्थ का हाथ कैटरीना के टॉप के अंदर देखा गया। पिक्चर क्लिक हो गई और फिर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। अब इसके पीछे का असल सच तो कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ माल्या ही जानते हैं।